नमस्ते हाजी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? कल का टॉपिक पढ़ा? कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था डिफरेंशिएशन, उसी टॉपिक को रिवाइज करते हुए उसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे, प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको बताया था पहला फॉर्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू पावर एन, व्हाट इज इट बताइए बच्चों? यस, फॉर्मूला बताओ, इक्वल टू एन एक्स एन रेज टू एन माइनस वन, पावर आगे एक का। सेकंड फॉर्मूला मैंने बताया था आपको डिफरेंशिएशन ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म विद रेस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू जीरो। एंड थर्ड फॉर्मूला प्लीज नोट डाउन इट अगेन, वेरी रिवीजन हो गया आपका, डिफरेंशिएशन ऑफ, आज ए ले लेते हैं, कल यू लिया था हमने लास्ट क्लास में, आज हम ए लेके कर लेते हैं, ए प्लस माइनस बी विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू एक्स। Now today we will solve some numerical problem based on this, or you can say mathematical problem also because this is a topic of mathematics. So differentiation of x is this. So question number one based on this problem. We find out differentiation of x raised to power minus 7 with respect to x. If say y is equal to x raised to power minus 7, so what is its differentiation with respect to x? So our formula is differentiation of x to power n with respect to x is n as n minus 1. Power aage, or jitni bhi power, whatever be the power here, subtract 1 from that. So this is equal to minus 7 x minus 7 minus 1. This is the formula. Value of n is in this case is minus 7. This is equal to minus 7 x raised to power minus 8. Or you can say minus 7 upon x raised to power 8. Both answers are correct. Because a raised to minus n is equal to 1 upon a raised to n. Apply this relation, you can. I hope it is clear to everyone. Now आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मुझे इसका आंसर लिख के भेजिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर माइनस 12 विद रेस्पेक्ट टू x, व्हाट इज द वैल्यू, फिलिंग द ब्लैंक। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए होमवर्क, एक क्वेश्चन ये करके भेजिएगा और दूसरा ले लीजिए आप x रेज टू पावर 3/2, x रेज टू पावर 3/2, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, फिलिंग द ब्लैंक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, इन दोनों क्वेश्चन से आई नीड द आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स, और आप भेजेंगे और तो हम आपको और क्वेश्चन पीडीएफ करके भेज देंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9410711854। अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, आपको कोई नोट चाहिए, तो मेरे इस व्हाट्सएप पे आप डाल दीजिए, 100% फ्री ऑफ चार्ज है, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी लिखिए, व्हाट्सएप पे भी भेजिए। कंटिन्यू नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म, बेटा होमवर्क है वो, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म विद रेस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू जीरो। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉन्स्टेंट से आपको करना है 5 का डिफरेंशिएशन बताओ, तो क्या आंसर होगा? जीरो। ये फॉर्मूला लगाना है, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म क्या होती है? जीरो, राइट? अब मुझे बताओ आप लोग, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के है, किसी भी आपके फिजिक्स में आता है के इज ए कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, तो उसका डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट क्या होगा? Differentiation of k with respect to x, k is a constant of proportionality. So in this case, bolo, speak loudly. Zero. Zero. Good. Very good. Excellent. Differentiation of k with respect to x is equal to zero. अभी variable is t. Same answer है. अंश आपकी तरफ से जवाब आना चाहिए. Differentiation of constant with respect to time. K is a constant of proportionality.
हवा जी यानी इट इज आल्सो जीरो। अब हम क्वेश्चन करते हैं फॉर्मूले नंबर 3 पे बेस्ड, किस पे बेस्ड कराऊंगा अब, फॉर्मूला नंबर 3 इसे y is equal to x square plus 2x3 इसका डिफरेंशिएशन करना है कि y is equal to क्या है x square plus 2x3। Our aim is to differentiate it with respect to x. So dy by dx is equal to d upon dx. What is the value of y? Put it here, x square plus 2x cube. Substitute the value of y from here to here. ठीक है? चलिए good. So dx square plus 2x cube. अब apply this formula. Differentiation of a plus minus b with respect to x. Please बेटा इधर देखो. Differentiation of a plus minus b with respect to x is equal to differentiation of first term, plus है तो plus, minus है तो minus, differentiation of second term. But differentiation of first term means here a means what is the value of a here? A हो जाएगा हमारा x square and b 2x cube sine plus. तो हम क्या कह सकते हैं? This equal to बोलिए d of differentiation of x square, क्या बोलेंगे इसको, read करना भी सीखिए, differentiation of x square with respect to x plus differentiation of 2x cube with respect to x, right? अब एक प्रॉब्लम आएगी आपको कि 2 का क्या करेंगे, पहले यहां तक लिख लीजिए फिर बताइए 2 का क्या करें, बताओ आज 2 का क्या होगा यहां पे, पूरा आ रहा ना, यस टेल मी। तो हमेशा देखिए थोड़ा माइंड लगाना ना कुछ भी नहीं, कभी भी हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं कुछ भी करते हैं तो जितनी भी कांस्टेंट टर्म होती है बाहर ले जाते हैं, सिमिलरली दिस इज ए कांस्टेंट टर्म टेकिंग आउटसाइड द डिफरेंशियल ऑपरेटर वी गेट द सेम रिजल्ट। तो दिस इक्वल टू यू कैन से व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर, अप्लाई दिस फार्मूला, पावर आगे और एक पावर कम, तो क्या मिल जाएगा 2x, 2 minus 1 is 1, 1 नहीं लिखते, 2x plus ये 2 तो पहले बाहर लिया हो, एक लाइन चलो बढ़ा देते हैं, हम पहली बार कर रहे हैं, तो ये x cube constant term taking outside the differential operator, result is remain same। अब चाहे एक फॉर्मूला बना ले, फॉर्मूला भी बना सकते हैं इसको, differentiation of बना देता हूं चलो x raised to power n, और यहां लिख देता हूं मैं सम कांस्टेंट a, a से कोई कांस्टेंट है इज इक्वल टू a डिफरेंशिएशन ऑफ x n अपॉन dx, हियर a इज a कांस्टेंट नंबर, ये एक्स्ट्रा है किसी किताबों में नहीं होता है आपको बता दिया, if a constant term taking outside the differential result is remain same, तो यहां पे आपका ये 2 क्या होगा बेटा, बाहर आ जाएगा taking outside the differential operator, 2 comes out outside, 2 आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है? तो 2 outside, अब बताइए differentiation of x cube with respect to x क्या होगा, बताइए फटाफट, यस सिंपल, अब तो बताओ इतने सारे कर दिए, इसका डिफरेंशिएशन, अब फटाफट बोल दो बेटा आपके इतने सवाल, 3x माइनस 2, 3x, 3x अपॉन 2, अरे इतना पढ़ लिया आपको, डिवाइड पावर पावर पावर
बेटा वो गलत बोल रहा है, आप ही गलत बोलोगे। माइनस कहां से आएगा यहां भाई? 3x की पावर फिर पावर आगे एक पावर कम, यहां 3 है, 3 आगे, 3 में से एक गया, क्या बचेगा? माइनस रूट नहीं बचेगा, प्लस 2। तो क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, 2x प्लस 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 6x स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। ठीक है, एक और कराएं, चलो एक प्रॉब्लम और करा देते हैं, करना ये देखिए y is equal to x 4, y is equal to x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस, चलो माइनस की भी ले लें एक टर्म, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 3, इसको डिफरेंशिएशन कर। तो जैसे दो में फॉर्मूला था ऐसे चार में लग जाएगा, वो चारों को क्या कर दोगे आप? अलग अलग सॉल्व कर। तो बताइए बेटा कैसे करेंगे, बताइए फर्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगा मैं, मेरा एम है, इसको देखते जाओ बताते जाओ, डी वाई बाई डी एक्स। पहला स्टेप क्या होगा? तेज बोलना थोड़ा सा, डी वाई अपॉन डी एक्स और सही बोलना, डी वाई अपॉन डी एक्स, वेरी गुड। तो क्या लिखेंगे आप? डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस होल वैल्यू ऑफ वाई, एक्स फोर प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3, राइट? दिस इज इक्वल टू, अब हमने क्या किया था? डिफरेंशिएशन ऑफ a प्लस माइनस b अपॉन x विद रेस्पेक्ट टू x इज d a by dx प्लस माइनस d b by dx, ये सब सेपरेट हो जाएंगे। तो कितने डिफरेंशिएशन बन जाएंगे? 4, 1, 2, 3, 4, बोलते जाइए एक एक, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स फोर विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स, प्लस है तो प्लस, सेकेंड क्या बन जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ 3x क्यूब विथ रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस, थर्ड क्या बन जाएगा? अब यहाँ माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, तो माइनस लगा दीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब अगर मान लो भूल से आप यहाँ प्लस लगा लेते तो ये माइनस अंदर रखते, बाद में टू के साथ बाहर आ जाएगा, तो एक ही बात है, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 3 विद रेस्पेक्ट टू एक्स। हम उस सब को चार पार्ट में डिवाइड कर देंगे। बताइए एनीबॉडी हैव एनी डाउट? हमें दिया होता एक्स फोर एक्स थ्री एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करना था तो हमने उसके चार बना दिए। अब एक एक स्टूडेंट एक एक का आंसर बताते जाओ, x की पावर 4 को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? 4x की पावर 4x रेज़ टू 3, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज़ टू n विद रेस्पेक्ट टू x इज गिवन बाय nx n माइनस 1, पावर आगे बार बार बोलोगे तो लर्न हो जाएगा, इसलिए लिख रहा हूं मैं भी बार बार। तो जब हमने इसको करा तो ये 4 पावर आगे आ गई और इसकी एक पावर कम हो गई, 4 में से एक कम हुआ तो 3, ठीक है, प्लस नाउ यहाँ पे 3 है, पहले ये बाहर आ जाएगा और इसका कर दें, अब तो आपको करना है डायरेक्ट कर सकते हैं, एक्स क्यूब है तो 3 आएगा और उसकी एक पावर कम, बोलो भाई 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर का 2x, और कॉसेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेंट टर्म इक्वल टू 0, तो ये हो गया प्लस 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 4x क्यूब प्लस 3 जा 9x स्क्वायर माइनस 4x, दिस इज योर फाइनल आंसर। एनी डाउट पूछिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख दीजिएगा और संभाल दूंगा मैं उनको, कर दीजिए, थैंक।